हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर के है। याचिका में कहा गया है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को फिर से बहाल किया जाए। आप सभी को जानकारी देना चाहूंगी, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया था। फिलहाल अदालत ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आदेश दिया है। 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत इस प्रावधान को खत्म करने के तहत केंद्र सरकार के कुछ तर्क हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि एंग्लो इंडियन समुदाय समय के साथ भारतीय आबादी में मिल चुका है। इसके अलावा संविधान योजना के अनुसार ये प्रावधान सीमित समय के लिए था और इसे अनिश्चित काल तक के लिए जारी नहीं रखा जा सकता। आप जानते हैं 104 संविधान संशोधन के विरोध में लोगों का क्या तर्क है। इस प्रावधान को समाप्त करने के विरोध में लोगों का तर्क है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की सही संख्या 2011 की जनगणना में परिलक्षित नहीं है। इसके साथ ही जब इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए संशोधन किया जा रहा था, उस वक्त 2011 की जनगणना रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया था, इसलिए यह संशोधन अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यक के संवैधानिक वादे का उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 334 में ये बताया गया है कि लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में SC ST के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी, उसमें केवल SC ST ही आएंगे। इसके साथ ही इसी अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन समुदाय को किस तरीके से यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इस बारे में भी बताया गया है। अब जानते हैं कि आखिर एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म भारत में तो हुआ हो, लेकिन उनके पिता या दादा या फिर उनके वंश में कोई ऐसा जिसका जन्म यूरोप में हुआ हो। अब जानते हैं कि आखिर संसद और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन संबंधी क्या प्रावधान थे। अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि यदि लोकसभा के 543 सदस्यों में से इस समुदाय का कोई सदस्य नहीं चुना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं या मनोनीत कर सकते हैं। इसी तरह से राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वह अपने राज्य विधानमंडल के निचले सदन में, मतलब कि राज्य विधानसभा में, इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कम ना रहे, इसके लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 1 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार रखते हैं।